हेलो फ्रेंड, जो फ्रेंड आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं कि लुमिनस एनएक्सजी प्रो के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, साथ उसका कंपैरिजन भी करेंगे यूटीएल गामा प्लस के साथ कि इसमें अलग से क्या लगा हुआ है और क्या डिफरेंट है इसके अंदर के स्ट्रक्चर में। और साथ ही फ्रेंड हम देखेंगे कि नो लोड पर यूटीएल गामा प्लस कितना एनर्जी लेता है और जो लुमिनस एनएक्सजी प्रो एक एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है ये नो लोड पर कितनी एनर्जी कंजप्शन करता है। तो फ्रेंड बहुत डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए इन दोनों में से। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जो इसका MPPT कोयल है ये फ्रेंड थोड़ी अलग है UTL गामा प्लस से। और यहाँ पे जो इसका MPPT कार्ड है और इन्वर्टर कार्ड है दोनों एक ही PCB पर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए इसका ये ट्रांसफार्मर है, जबकि हमने UTL गामा का ट्रांसफार्मर भी देखा था वहाँ पे टैपिंग थी, बट फ्रेंड यहाँ पे कोई भी टैपिंग नहीं है, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग दी हुई है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे MOSFET भी लगे हुए हैं। इसका फ्रेंड जो कार्ड है बहुत ही नेट एंड क्लीन है, बहुत ही सफाई से काम किया गया है। इसमें भी दो फैन लगे हुए हैं, एक इन्वर्टर का फ़ैन है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे दो फैन है, एक फ़ैन इन्वर्टर का है और एक फ़ैन MPPT कार्ड का है। और फ्रेंड जो MPPT कार्ड और इन्वर्टर कार्ड है दोनों एक ही PCB पे लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए सेम PCB है ये दोनों की। और यहाँ पे देखिए इसके MOSFET लगे हुए हैं, तो चार इधर की साइड है और चार ही दूसरी साइड है। देखिए ये पूरा इसका व्यू है। और जो इसकी MPPT कोयल है वो भी फ्रेंड थोड़ी अलग है UTL गामा प्लस से, देखिए इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक ये देखिए इसके ये यहाँ पे आप MOSFET देख पा रहे होंगे और यहाँ पे ये इसका कूलिंग फ़ैन है, इसमें दो कूलिंग फ़ैन है, एक आगे की साइड है एक पीछे की साइड है, एक यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का है और जो दूसरा वाला है वो MPPT का है। देखिए यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू है लुमिनस एनएक्सजी प्रो 12 वोल्ट का और यहाँ पे 1000 वाट के सोलर पैनल आप इस पर लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड यहाँ पे इसको हमने ऑन कर दिया है, बैटरी का वोल्टेज है 11.51, बट फ्रेंड आप इस पर 12 वोल्ट के पैनल नहीं लगा सकते, इस पर केवल 24 वोल्ट के पैनल ही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे पावर सेवर ऑफ है अभी, और देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिखा रहा अभी। देखिए यहाँ पे इसके पीछे जो स्टैचू लगा है उस पर लिखा हुआ है 1 KVA 12 वोल्ट। और तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 40 एम्पियर है और मैक्सिमम PV 55 वोल्ट तक इसकी VOC है। और इसमें 40 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। देखिए शॉर्ट सर्किट करंट जो पैनल का हो सकता है मैक्सिमम 40 एम्पियर तक हो सकता है। और यहाँ पे रेटेड करंट है इसका 3.7 एम्पियर से 4.8 एम्पियर तक का AC ये लोड चला सकता है। और यहाँ पे देखिए वोल्टेज 230 प्लस माइनस 10% AC आउटपुट देगा। और यहाँ पे 200 देखिए यहाँ पे फ्रंट ये इसका फ्रंट व्यू है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड अब हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं कि नो लोड करंट ये कितना कंज्यूम करता है। देखिए यहाँ पे हमने एक मल्टीमीटर लगा दिया है, जब इन्वर्टर ऑफ है तो 0.03 एम्पियर इसमें जा रहा है, अभी हमने इन्वर्टर को ऑन नहीं किया है समय। तो फ्रेंड अब हम इन्वर्टर को ऑन कर दिया, देखिए इन्वर्टर को अब हमने ऑन कर दिया है और देखिए कितना करंट ले रहा है ये। देखिए अभी PV पावर ऑफ है, हमने सोलर नहीं लगाया हुआ है और सोलर ग्रिड ट्यूबलर कोई भी हमने इस पर लोड नहीं लगाया हुआ है, पावर सेवर ऑफ है अभी। देखिए 227 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है, आउटपुट वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ पे देखिए 2.45 एम्पियर, तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ही पावर का कंजप्शन कर रहा है, लगभग 30 वाट के समथिंग फ्रेंड एनर्जी ये ले रहा है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इसका नो लोड पे पावर कंजप्शन है। और जबकि UTL गामा प्लस का 18 से 20 वाट है, मतलब एक डेढ़ से 1.5 से 1.8 एम्पियर तक लेता है, बट फ्रेंड ये 2.43 एम्पियर